दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। खंड शिक्षा अधिकारी ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर VEO के लिए आज का हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो टॉपिक है उत्तर प्रदेश शैक्षिक विकास साहित्य एवं पत्र पत्रिकाएं। इससे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो पूरा वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिए। यदि वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और अपने व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप में शेयर भी करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल में ही आपके बेल आइकन होगा उसको भी दबा लें, इससे आने वाली सारी नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को आसानी से प्राप्त हो जाएंगी। स्टार्ट करते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। इलाहाबाद के मेयर सेंट्रल कॉलेज की स्थापना कब की गई? आंसर हो जाएगा 1858। दूसरा क्वेश्चन देखिए, इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज इन एजुकेशन कहाँ पर है? तो ये कहाँ पर है, आंसर हो जाएगा इलाहाबाद में। तीसरा क्वेश्चन, राज्य हिंदी संस्थान कहाँ पर है? वाराणसी। चौथा क्वेश्चन, राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान कहाँ पर है? राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान ये इलाहाबाद में है। पांचवा क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश को कितने शिक्षा मंडलों में बांटा गया है? 17। छठा क्वेश्चन, संस्कृत शिक्षा परिषद कहाँ है? संस्कृत शिक्षा परिषद ये लखनऊ में है। उर्दू निदेशालय की स्थापना कहाँ की गई? लखनऊ में। आठवां क्वेश्चन देखिए, उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद का गठन कब किया गया? आंसर हो जाएगा 1972। नवा क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार नियमावली को कब से लागू किया गया? 2011 से लागू किया गया। अगला क्वेश्चन देखिए, राज्य शिक्षक पुरस्कार कब से दिए जा रहे हैं? 1984। अगला क्वेश्चन, अनौपचारिक शिक्षा योजना कब से चलाई जा रही है? 1975। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, शिक्षा गारंटी योजना का उद्देश्य क्या है? आंसर हो जाएगा प्राथमिक विद्यालय की स्थापना। 13वां क्वेश्चन देखिए, सर्व शिक्षा अभियान का व्यय केंद्र व राज्य सरकार किस अनुपात में वहन करती है? 65:35। अगला क्वेश्चन, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना के अंतर्गत किस कक्षा से किस कक्षा तक की बालिकाओं को शामिल किया जाता है? 5 से 8। 15वां क्वेश्चन देखिए, संपूर्ण साक्षरता अभियान में किस आयु वर्ग को शामिल किया गया है? 15 से 35। अगला क्वेश्चन देखिए, मिड डे मील योजना उत्तर प्रदेश में कब से लागू की गई? 1995। अगला क्वेश्चन, स्कूल हेल्थ कार्यक्रम में कितने समय अंतराल पर बच्चों की शारीरिक जांच की जाती है? आंसर हो जाएगा 6 माह। 16वां क्वेश्चन देखिए, सॉरी 18वां क्वेश्चन, किस योजना के तहत प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर एक लोक शिक्षा केंद्र स्थापित करने की व्यवस्था की गई है? आंसर हो जाएगा कल्प शिक्षा योजना। 19वां क्वेश्चन देखिए, उत्तर प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा निदेशालय का गठन कब किया गया? आंसर हो जाएगा 1972। 20वां क्वेश्चन देखिए, माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड का गठन कब किया गया? 1982। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य मुक्त विद्यालय परिषद की स्थापना कब की गई? सन 2008। अगला क्वेश्चन, विद्यावाहिनी प्रोजेक्ट कौन सा विभाग चला रहा है? सूचना प्रौद्योगिकी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर शिक्षा योजना में केंद्र व राज्य सरकार का व्यय अनुपात कितना है? 75:25। अगला क्वेश्चन, प्रदेश में कंप्यूटर लैब योजना किस योजना में प्रारंभ हुई? 11वीं। अगला क्वेश्चन, ICT योजना का संबंध है? संचार। अगला क्वेश्चन, पत्राचार शिक्षा संस्थान कहाँ पर है? पत्राचार
शिक्षा संस्थान ये कहां पर है? आंसर हो जाएगा इलाहाबाद। 27वां क्वेश्चन देखिए, व्यावसायिक शिक्षा योजना कब से संचालित है? तो ये कब से संचालित है? 1989 से 90। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा योजना कब प्रारंभ किया गया? सन 2009। अगला क्वेश्चन, मिड डे मील योजना के तहत पका पकाया भोजन कब से दिया जाने लगा? सन 2004। अगला क्वेश्चन, स्वतंत्रता से पूर्व उत्तर प्रदेश में कितने विश्वविद्यालय थे? 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च शिक्षा निदेशालय की स्थापना कहाँ की गई? इलाहाबाद। सरस्वती व शिक्षक श्री पुरस्कार किन शिक्षकों को दिया जाता है? किन शिक्षकों को दिया जाता है? उच्च। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है कि सूची एक को सूची दो से सुमेलित करते हुए सही कूट का चयन कीजिए। इस क्वेश्चन का दूसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। बात करते हैं पहले फैजाबाद की, इसका मिलान हो जाएगा नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय से। अब बात करते हैं आगरा की, आगरा का मिलान हो जाएगा दयाल बाग शिक्षा संस्थान से। ओके, अब बात करते हैं मेरठ की, मेरठ का मिलान हो जाएगा वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय से। अब बात करते हैं बरेली की, बरेली का मिलान हो जाएगा पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची एक को सूची दो से सुमेलित करते हुए सही कूट का चयन करें। आंसर हो जाएगा इसका चौथा वाला ऑप्शन। बात करते हैं सबसे पहले वाराणसी की, इसका मिलान हो जाएगा संपूर्ण नंदा संस्कृत विश्वविद्यालय। अब बात करते हैं आगरा की, इसका मिलान हो जाएगा केंद्रीय हिंदी शिक्षण मंडल से। लखनऊ की बात करते हैं डॉक्टर शकुंतला मिश्र विश्वविद्यालय। अब बात कर लेते हैं मेरठ की, इसका मिलान हो जाएगा चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय। तो इस प्रकार से आप मिलान कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, उत्तर प्रदेश में कितने राज्य विश्वविद्यालय हैं? कितने हैं? कुल 14। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के पश्चात सर्वप्रथम किस जनपद में इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना की गई? आगरा। अगला क्वेश्चन देखिए, वर्तमान में राज्य व्यावसायिक एवं प्रावधिक शिक्षा विभाग के अधीन कितने इंजीनियरिंग कॉलेज हैं? 11। अगला क्वेश्चन, लखनऊ में उत्तर प्रदेश प्रावधिक विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई? सन 2000। अगला क्वेश्चन, मदन मोहन मालवीय इंजीनियरिंग कहाँ पर है? आंसर हो जाएगा गोरखपुर में है। 40वां क्वेश्चन, भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान ये कहाँ पर अवस्थित है? आंसर हो जाएगा इलाहाबाद में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, इसरो ने किस संस्थान को अपना पहला नोडल सेंटर बनाया? आईआईटी कानपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य में कितने राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान हैं? 267। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यावसायिक शिक्षा व प्रशिक्षण परिषद का गठन कब किया गया? 2010। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना कब की गई? 1989। अगला क्वेश्चन, चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ पर है? आंसर हो जाएगा कानपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृषि डीम्ड विश्वविद्यालय कहाँ पर है? आंसर हो जाएगा इलाहाबाद। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगला क्वेश्चन, काशीराम कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहां पर है? आंसर हो जाएगा बांदा में। 48वां क्वेश्चन, सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहां पर है? मेरठ में है। अगला क्वेश्चन, प्रदेश में राज्य सरकार के कितने एलोपैथी मेडिकल कॉलेज हैं? 8। अगला क्वेश्चन, किंग जॉर्ज दंत विज्ञान विश्वविद्यालय कहां पर है? आंसर हो जाएगा लखनऊ में है। अगला क्वेश्चन, संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान ये कहां पर है? लखनऊ। उत्तर प्रदेश ग्रामीण आयुर्विज्ञान एवं अनुसंधान संस्थान की स्थापना कहां पर की गई? तो ये की गई इटावा में। जेके कैंसर संस्थान कहां पर है?
आंसर हो जाएगा कानपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, केंद्र सरकार के उत्तर प्रदेश में कितने एलोपैथिक मेडिकल कॉलेज हैं? दो। अगला क्वेश्चन देखिए, चार राज्य में कुल कितने आयुर्वेदिक राजकीय कॉलेज हैं? आठ। अगला क्वेश्चन, धन्वंतरी चिकित्सा विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई? इसकी स्थापना की गई लखनऊ में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, उत्तर प्रदेश में कितने स्पोर्ट्स कॉलेज हैं? दो। वीर बहादुर सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज कहाँ पर है? गोरखपुर। उत्तर प्रदेश में खेल विभाग की स्थापना कब की गई? 1974। अगला क्वेश्चन देखिए, उत्तर प्रदेश में कब से सभी कार्यालयों में हिंदी भाषा का प्रयोग अनिवार्य कर दिया गया? 1968। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान की स्थापना कब की गई? 1976। अगला क्वेश्चन, भारत भारती सम्मान उत्तर प्रदेश की किस संस्था द्वारा दिया जाता है? ये दिया जाता हिंदी संस्थान के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान की स्थापना कब की गई? 1976। अगला क्वेश्चन, विश्व भारती सम्मान किस संस्था द्वारा दिया जाता है? ये दिया जाता है संस्कृत संस्थान के द्वारा। अखिल भारतीय व्यास महोत्सव का आयोजन किस संस्था द्वारा किया जाता है? किस संस्था के द्वारा किया जाता है? संस्कृत संस्थान के द्वारा। हिंदुस्तानी अकादमी कहाँ पर है? इलाहाबाद। उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी की स्थापना कब की गई? ये की गई 1972। प्रेमचंद पुरस्कार किस संस्था द्वारा दिया जाता है? उर्दू अकादमी के द्वारा। खबरनामा मासिक पत्रिका कौन निकालता है? उर्दू अकादमी। उत्तर प्रदेश में भाषा प्रशिक्षण केंद्र कब खोले गए? तो ये खोले गए हैं 1990। उत्तर प्रदेश भाषा संस्थान का गठन कब किया गया? 1994। संत कबीर पुरस्कार किस संस्था द्वारा दिया जाता है? उत्तर प्रदेश भाषा संस्थान के द्वारा। माननीय काशीराम स्वाभिमान पुरस्कार किस संस्था द्वारा दिया जाता है? उत्तर प्रदेश भाषा संस्थान के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुमित्रा नंदन पंत पुरस्कार किस संस्था द्वारा दिया जाता है? ये दिया जाता है राज्य कर्मचारी साहित्य संस्थान। डॉक्टर शिव मंगल सिंह सुमन पुरस्कार किस संस्था के द्वारा दिया जाता है? राज्य कर्मचारी साहित्य संस्थान के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखिए, उत्तर प्रदेश से निकलने वाला पहला हिंदी पत्र कौन सा था? बनारस अखबार। अगला क्वेश्चन, सर्वहित कारक नामक साप्ताहिक का प्रकाशन कहाँ से किया गया? ये किया गया आगरा से। तत्वबोधिनी का संपादक कौन था? गुलाब शंकर। कवि वचन सुधा का प्रकाशन कहाँ से होता है? ये होता है वाराणसी से। अगला क्वेश्चन, अभ्युदय नामक साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन किसने किया? मालवीय जी ने किया। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, सरस्वती नामक पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? इसका प्रकाशन किया था महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। अगला क्वेश्चन, प्रताप नामक पत्र का प्रकाशन कहाँ से किया गया? कानपुर। अगला क्वेश्चन, आज नामक दैनिक पत्र का प्रकाशन कहाँ से किया गया? वाराणसी से किया गया। मजदूर नामक साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन कहाँ से किया गया? कानपुर से किया गया। क्रांतकारी नामक पत्र का प्रकाशन कहाँ से किया गया? झांसी से किया गया। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला है, सूची एक को सूची दो से सुमेलित करते हुए सही कोड का चयन कीजिए। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा तीसरा वाला ऑप्शन। बात करते हैं कानपुर की, इसका मिलान विश्वमित्र से हो जाएगा, वाराणसी का मिलान शमार्क से हो जाएगा, और लखनऊ का मिलान नवजीवन से हो जाएगा, इलाहाबाद का मिलान भारती
भारत से हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप मिलान कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का प्रथम उर्दू अखबार कहाँ से प्रकाशित किया गया? आगरा से प्रकाशित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, तौहीद का प्रकाशन कहाँ से किया गया? मेरठ से किया गया। रहनुमा का प्रकाशन कहाँ से किया गया? मुरादाबाद। कौमी आवाज का प्रकाशन कहाँ से किया गया? कौमी आवाज का प्रकाशन ये किया गया लखनऊ से। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित राजीव गांधी पेट्रोलियम प्रौद्योगिकी संस्थान स्थापित किया गया? ये स्थापित किया गया जायज से। प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय स्थापित किया जा रहा है लखनऊ में। गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज की स्थापना उत्तर प्रदेश में की गई है? लखनऊ में की गई है। उत्तर प्रदेश में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान जहां स्थापित किया गया है वह जगह कौन सी है? इलाहाबाद। उत्तर प्रदेश में कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग परियोजना केंद्र स्थित है? ये स्थित है लखनऊ में। उर्दू को जिस वर्ष उत्तर प्रदेश की भाषा के रूप में सरकारी मान्यता प्रदान की गई वह था? 1989। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है? चार। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। उत्तर प्रदेश का एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय निम्नलिखित नाम से जाना जाता है? राज श्री पुरुषोत्तम दास टंडन मुक्त विश्वविद्यालय। अगला क्वेश्चन, डॉक्टर डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप अवस्थित है? कानपुर में। उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? इलाहाबाद विश्वविद्यालय इलाहाबाद। उत्तर प्रदेश में नॉलेज पार्क की स्थापना की जा रही है? कहाँ पर की जा रही है? ग्रेटर नोएडा में। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में प्रथम ऊर्जा शिक्षा पार्क की स्थापना प्रस्तावित है? इलाहाबाद में प्रस्तावित है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तर प्रदेश के संदर्भ में सही सुमेलित नहीं है? भारतीय दलहन शोध संस्थान आगरा, भारतीय दलहन शोध संस्थान ये कानपुर में है। अगला क्वेश्चन देखिए, कन्हैया लाल माणिक लाल केंद्रीय हिंदी संस्थान कहाँ पर स्थित है? आगरा में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, हिंदुस्तान एकेडमी जिसे भारतीय भाषाओं की रक्षा तथा विकास हेतु तो स्थापित किया गया है ये कहाँ पर स्थित है? ये स्थित है इलाहाबाद में। निम्न में से नॉन CSIR संस्थान को जो लखनऊ उत्तर प्रदेश में स्थित है पहचानिए। IISR, सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय अवस्थित है कहाँ? अवस्थित है ये अवस्थित है मेरठ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौलाना मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय के नाम से एक अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान की स्थापना की जा रही है? रामपुर में। अगला क्वेश्चन देखिए, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जिस आयु वर्ग तक के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराने में उच्च प्राथमिकता दी जा रही है वह है? 14 वर्ष तक। निम्न में दो विकल्प दिए गए हैं, इस क्वेश्चन का पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ए तथा आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। अगला क्वेश्चन, कन्या विद्याधन योजना के अंतर्गत कन्या छात्रा को निम्न कक्षाओं में से किस एक को पास करने के उपरांत आगे के अध्ययन के लिए 20,000 रुपये देना प्रस्तावित है? 12वीं। अति लोकप्रिय धार्मिक पत्रिका कल्याण प्रकाशित होती है? गोरखपुर से। अगला क्वेश्चन देखिए, सूची एक को सूची दो से सुमेलित कीजिए और सही कूट का चयन कीजिए। इस क्वेश्चन का पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। बात करते हैं झांसी की, इसका मिलान हो जाएगा लोकमत से। अब बात करते हैं कानपुर की, इसका मिलान हो जाएगा राष्ट्रमत से। अब बात करते हैं लखनऊ की, इसका मिलान हो जाएगा
हिंदुस्तान टाइम्स से। अब हम बात कर लेते हैं इलाहाबाद की, इसका मिलान हो जाएगा यूनाइटेड भारत से। अब हम बात करते हैं आगरा की, इसका मिलान हो जाएगा स्वराज टाइम से। तो इस प्रकार से आप मिलान कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, सूची एक को सूची दो से सम्मिलित करते हुए सही कूट की सहायता से उत्तर दीजिए। आंसर हो जाएगा आपका पहला। कानपुर की बात करते हैं छत्रपति साहू जी महाराज से, इसका मिलान हो जाएगा। अब बात करते हैं लखनऊ की, लखनऊ का मिलान हो जाएगा केंद्रीय उच्च तिब्बती संस्थान से। ओके, अब बात करते हैं झांसी की, झांसी का मिलान हो जाएगा डॉक्टर राम मनोहर लोहिया विधि विश्वविद्यालय से। वाराणसी का मिलान मैथिली शरण गुप्त विश्वविद्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उत्तर प्रदेश से प्रकाशित प्रथम हिंदी पत्र कौन सा था? कौन सा था? बनारस अखबार। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश से प्रकाशित प्रथम हिंदी पत्र कौन सा था? प्रथम हिंदी पत्र कौन सा था? बनारस अखबार। बनारस अखबार के संपादक कौन थे? बनारस अखबार के संपादक थे गोविंद रघुनाथ थते। अगला क्वेश्चन, बनारस अखबार की भाषा क्या थी? बनारस अखबार की भाषा थी उर्दू। सुधाकर का प्रकाशन कहाँ से होता है? वाराणसी। बुद्धि प्रकाश का प्रकाशन कहाँ से होता है? आगरा। अगला क्वेश्चन, प्रेस संबंधी कानून गैजेटिंग एक्ट कब आया था? 1857। अगला क्वेश्चन, भारत खंडामृत नामक पत्र उत्तर प्रदेश के किस जनपद से प्रकाशित हुआ? आगरा से प्रकाशित हुआ। अगला क्वेश्चन, तत्वबोधिनी नामक पत्रिका का संपादन प्रदेश के किस जनपद से हुआ? बरेली से हुआ। अगला क्वेश्चन, पत्रकारिता जगत में भारतेंदु युग की काला विधि है? 1867 से 1900। अगला क्वेश्चन, वृत्तांत दर्पण के संपादक कौन थे? सदा सुखलाल। अगला क्वेश्चन, आगरा एजुकेशनल गजट का प्रकाशन कब किया गया? कब किया गया? 1869 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, मर्यादा परिपाटी नामक मासिक पत्र का प्रकाशन कहाँ से होता है? कहाँ से होता है? आगरा से। द्विवेदी युग की काला विधि कब से कब तक है? 1900 से 1920। अगला क्वेश्चन, गांधीवादी या छायावादी युग की काला विधि है? 1920 से 1947। सैनिक का प्रकाशन कहाँ से होता है? तो सैनिक का प्रकाशन होता है आगरा से। धार्मिक पत्रिका अहिंसा का प्रकाशन कहाँ से होता है? अहिंसा का प्रकाशन होता है झांसी से। पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, स्वास्थ्य पत्रिका आरोग्य का प्रकाशन कहाँ से होता है? ये होता है गोरखपुर से। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, बच्चों के बाल दर्पण मासिक पत्र का प्रकाशन कहाँ से हुआ था? ये हुआ था इलाहाबाद से। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों के लिए बाल हितकारक पत्र का संपादन कहाँ से हुआ था? लखनऊ। लखनऊ में टीवी सेवा का प्रारंभ कब से हुआ था? ये हुआ था 1975। उर्दू का पहला अखबार जामे जहानुमा कहाँ से प्रकाशित हुआ? कलकत्ता से। उत्तर प्रदेश का उर्दू का पहला अखबार कौन सा था? सदरुल अखबार। अगला क्वेश्चन, लखनऊ अखबार के संपादक कौन थे? लाल जी। सूफीवाद पर आधारित अखबार तौहीद का प्रकाशन कहाँ से हुआ? मेरठ से। आज का हमारा सबसे लास्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश जनसंपर्क व विभाग द्वारा प्रकाशित उर्दू मासिक पत्रिका है नया नव दौर।